दोस्तों मैं अभी नहा के मस्त रेडी हो गया हूँ, ठीक है। मुझे अभी जाना है शोरूम और मम्मी खाने के लिए अभी बैठी है इधर। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम क्योंकि मेरा जो कार है ना, मेरा नहीं पापा का जो कार है, मेरा कार है समझ लो, तो वो कार काफी गंदा हो गया है और कार में चोट लग गया है बेचारा। हमारा कार में चोट लगा हुआ है, देखो ये, देखो ये सब चोट लग गया है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गाड़ी काफी गंदा है, इसके वजह से ही हम लोगों ने साफ नहीं कराया और इधर भी चोट लगा, ये देखो। तो ये सारा अच्छे से ठीक हो जाएगा, इसके लिए मैं जाऊंगा शोरूम वहीं पे देने के लिए। देखो कितना जल्दी ठीक हो जाता है, पहले इसको मुझे निकालना पड़ेगा बड़ा गेट से, ये चौकी को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी कार निकाल लिए हैं और अभी जा रहे हैं शोरूम मस्त इसको करवाने के लिए। निकाल के अभी जस्ट इधर घुमाए हैं गाड़ी, अभी आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। शोरूम तो पहुँचे हैं सर्विस में, यहाँ पे काम हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, फाइल में दिया हूँ जेरोक्स वहाँ पे हो रहा है। यहाँ का प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया, अभी मैं फिलहाल कार प्रोसेसिंग में लगा दिए हैं। अभी थोड़ा सा एक पापा का साइन लेना बचा है, बाकी इधर चोट लगा हुआ है आपका भाई आर्यन भाई। चलो अभी मैं फिलहाल निकलता हूँ घर, बहुत ज़्यादा धूप है बट कोई बात नहीं, सब चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। और एक काम बच गया, पापा का साइन करवाना था एक, जो हो नहीं पाया, तो उनका मैं पेपर ले लिया हूँ और पापा का साइन ले लेंगे, पापा ऑफिस आएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, पीडीएफ करके इनको भेज देंगे वही जो फॉर्म दिए हैं, तो वो लेके काम हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल निकलता हूँ अभी घर, एक और मुझे काम था, घर का बिजली बिल जमा करना था, देख लेते हैं अगर अभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो घर जा कर के खाना खा के फिर जाएंगे बिजली बिल जमा करने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया ना, इसलिए हो सकता है वहाँ पे उन लोग नहीं मिलेंगे अभी। अभी एक ऑटो लिए हैं, यहाँ से बस उतरेंगे अपना एक लोकेशन में, फिर वहाँ से थोड़ा दूर जाऊँगा, बस यहीं रोक दीजिएगा। फाइनली ऑटो से उतर गए हैं बाईपास में, यहाँ से जाएंगे अपना घर के लोकेशन, देखते कोई ऑटो मिल जाए तो, या टोटो कुछ भी, या तो भैया को बुलाएंगे, पास में ही है, करीब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास में है यहाँ। अभी तो मैं टोटो लिया था वहाँ पे, टोटो से लेकर के मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपना कॉलोनी, यहाँ से पैदल जाऊँगा घर। और दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल घर पहुँचा हूँ, बहुत बाहर में गर्मी है, मेरा माथा तो दर्द था और दर्द अभी करने लगा, आज दवा मुझे लेना होगा दूसरा शायद चेंज करवा करके। और अभी मैं फ़िलहाल कुछ खाऊँगा, भूख लग गया, फिर बिजली ऑफिस भी मुझे जाना है अभी, तो बाइक ले लेता हूँ, बाइक से मैं जाऊँगा क्योंकि धूप था ना, तो पैदल सब जगह ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं घर आ गया। आते ही किचन में मुझे मिल गया है खाना, और इधर तुम खाई मम्मी? हाँ। खाली मैं लेट हो गया थोड़ा, और वो मत दे ज्यादा, एक या दो ही दो। नींबू है? नींबू दे दो, नींबू दे दो, नींबू दे दो, बाकी ये सब थोड़े थोड़े सब्जी है। हाँ तो दे दो ये सब, क्या सब्जी को थोड़ा थोड़ा तो ना जो है वही दे दो, सब खा लेंगे, सारा फिनिश कर दूंगा। नींबू हाँ दे दो, बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना है, वाह। मतलब तारीफ करे इसका मतलब का और लेगा, ये तो जबरदस्ती खा रहे, बढ़िया है। खाना खाने के बाद सो गए थे, सो के उठे फ्रेश होके अभी जस्ट घर से बाहर निकले क्योंकि मार्केट मुझे जाना है, तो मम्मी का कुछ सामान खरीदना है और घर के लिए भी कुछ सामान खरीदना है, इसलिए मुझे मार्केट आना पड़ा। देखता हूँ अभी मार्केट कौन सा जाऊँगा मैं और क्या क्या लेना है, एक बार जा कर के देखते हैं। धीरे धीरे अपना मार्केट पहुँच चुके हैं, इस मार्केट में कुछ सामान खरीदना है घर का और एक दूसरा सामान खरीदना होगा घर का, बाकी इधर के तो मस्त लग रहा है। मार्केट में घुसने का कुछ अलग ही मज़ा है, लेकिन सच में देखो मम्मी कॉल की थी तो बोली हैंगर लेने के लिए, हैंगर ले लिया, फिर देखो हैंगर ये फिलहाल ले लिया अभी, और सब्जी कुछ खरीदने के लिए बोली है मम्मी, क्या लेंगे देखते हैं मार्केट जा कर के क्या मिलेगा मार्केट में,
और बस फिर घर जाएंगे। भैया को बाइक चाहिए, बाइक लेके वो कहीं जाएंगे। सब्जी भी ले लिए थोड़ा सा, आज तो झोला नहीं लाए बट सब्जी ले लिए पूरा। मम्मी बोली कि ले लेना थोड़ा अच्छा खासा, तो मैं ले लिया पूरा। अभी लेके जाऊंगा धीरे धीरे बाइक में, ऐसे ही झूला करके, देखो कुछ फट ना जाए। फटेगा तो फिर कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही लेके जाएंगे। और अभी मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं अपने घर। घर में पहुंचने के बाद मम्मी का दर्शन हुआ। गुड मॉर्निंग, आज पैर छूट लेते थोड़ा। क्या हुआ? और ये है ये बने तो मम्मी, आज भाज दो हमें। पक्का आज भाज देगी? तो इसीलिए हम लाए बड़ा देख के। भाभी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इसका नाम क्या है? नहीं, आपने क्या मंगाया था मेरे से? अरे खीरा, बहुत कुछ है घर में। घर में कुछ बन रहा क्या? ये क्या चौमिन बना रहे क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बस इतना ही है। इस तरीके से मेरे घर में पहली बार बन रहा है, वो भी भाभी बना रही है। कैसे हैं? एकदम ठीक है। गुड मॉर्निंग। बढ़िया, फिनिश कर दूंगा, फिनिश कर देना एकदम सारा। अरे यहाँ चाय रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है चाउमीन, खा के देखूं? हाँ। बढ़िया। हाँ। ये चाय किसका है? क्या बात करते हैं? हाँ। कहीं आपको तो नहीं खाना है ना? है? सच बोलिएगा। सच बोलिएगा। क्या आपको नहीं खाना है ना? नहीं हमको नहीं, दूध बचा हुआ था। मैं फिनिश कर दूंगा, ये भी याद रखिएगा। एकदम कर दीजिए, दुकान में जो स्टॉल लगता है ना वो सारा फेल हो जाएगा जब इस तरह का अगर चाउमीन सामने देखने को मिल जाएगा तो। क्या लग रहा है लेकिन, वाह। नींबू डाले भैया? मस्त लग रहा है, नींबू है ही नहीं घर में। फिनिश हो गया, फिनिश। दो पैर में मैं खा गया था नींबू। फिनिश, एकदम फिनिश कर दिया मैं, एकदम फिनिश, पूरा खा के एकदम फिनिश कर दिया। भूखे थे पूरा जोर का, चाउमीन खा लिया मस्त। भाभी बनाई थी, मजा आ गया खाने में। इधर थोड़ा सा कच्चा बच गया है, इसको फ्रिज में बोली भाभी रख देंगे, कल काम आ जाएगा, है ना। और इधर मम्मी थोड़ा साफ सफाई थोड़ा कर ली, भाभी करके गई थी बट मम्मी तो मानती नहीं है, खुद से ये साफ सफाई करती है। ये बैगन जब हम लाए थे तो तुम देखे थे इतना अच्छा था, तुम भाज देगी आज ये बोलो कैसा लग रहा? देखो छुके, देखो कैसा है, दाना नहीं है तो भाज दो मम्मी, कितना दिन से तुम हमको बोल रही है? आज नहीं का है, कल भाज दो ना, कल भाज का है, भाज दो मम्मी, भाज दो। अभी भूख रहा है, टेबल इसको पता रहता है। कितना दिनों से मम्मी बोल रही है कि ला दो बैगन भाज देंगे, आज बोल रहे आज बोल रहे नहीं भाज देंगे, का है मजा गया। तो तुम सिर्फ भाज दो, हम धो देंगे ना, अभी भाजेंगे हम, धो देंगे नहीं भाजेंगे। जिद्दी लगे जिद्दी है तुम लगे नहीं भाज नहीं भाज देगी तो नहीं भाज देगी तो छोड़ दो, क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, सो जाएंगे, सो जाते भाज दो ना। सब्जी बना ना, बैगन आलू हो भाई, बैगन आलू भी बना ले। हाँ। देखो भाज दो, नहीं भी बजे आज ला दिए ना, बोले नहीं नहीं आज हम ला दिए इसलिए बोला बोला नहीं था, बात लगता लगा मैं ये फिर मैं मारना तो मार लो लेकिन भाज दो ना, आज ना भाज दो नहीं हमें भाज दो भाई। हम गैस जला देंगे, तावा चढ़ा देंगे, गोल गोल ये क्या बात बहुत बात है, तुमने जिद्दी लगे ले है एकदम से। मम्मी को मजा भी आता है इस तरह करने में, बट जिद्दी लगते हैं।
तो जिद्दी लग नहीं जिद्दी लगा रहा है क्या बोली तो चला कर यार भाज जाओ अब भाज दिए तो हम भाज छोड़ तो तुम नहीं भाज देगे तुम नहीं भाजेंगे क्या बोल रहा है भाज देगा हम भाज नहीं रख दे मम्मी छोड़ दो नहीं भाज देगे तो रख दे ऐसे ही क्या करेंगे बिना खाए सो लेना चौमिन से भी खा लिए पेट भर गया तो बना हुआ है नहीं मम्मी ठीक है दूध है आज तुम बोली कि ला देना बैगन ला दिए आज तुम बोली भाज देंगे भाज भी नहीं दे रही है ठीक है मम्मी कोई बात नहीं समझ गया मैं समझ गया घेरे भी घेरे भी मेरा क्या बोल कैसे समझ गए समझ गए हाथ पकड़ रहा हूँ यही है तुम्हें ए प्रभु हे हरे राम एक दिन जगन्नाथ प्रेम आनंद ये क्या हो गया खाली मेरा तेरा बोल मैं नहीं भाज दी मम्मी चिट्ठी जैसे काट के दिखाएंगे कैसे आएगा हमको समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा रात में सपना भी देखे थे मम्मी भाज देगी आज लाइन तो भाज देगी लेकिन खाई कदी मोहन चौक पे लड़ी ना समझ 10 11 बजे चल रहे 11 तो नहीं बजे मम्मी 10:30 बज रहे चलो 10:30 बज रहे तो बराबर ठीक है छोड़ो नहीं भाज के जा रहे चला रहे जा रहे हैं जा रहे तो राम ने बोले थे तो इन्हें ठीक है जा रहे अब तुम बोल दी ना हम जा रहे हैं दे ठीक ठीक छोड़ दो मत भाज दो ठीक है मत भाज दो किचन में जल्दी भाग ठीक है मत भाग जल्दी किचन में मत भाज मत भाज भागल को जा रहे भागल को नहीं नहीं तुम बोल देना हम जा रहे हमको ठीक नहीं लग रहा जा रहे जाओ छोड़ दो मम्मी नहीं भाज दे रही तो क्या आज बोले छोड़ दो क्या हुआ मत काट छोड़ दो जिद्दी लगा दी नहीं नहीं छोड़ दो मत काट नहीं नहीं मत काट नहीं नहीं काट मत काट छोड़ दो छोड़ दो नहीं मम्मी छोड़ दो नहीं 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 छोड़ दो अरे काट भी रही थी देखो छोड़ दो कल बना देना हम नहीं चाहेंगे कि तुम तकलीफ में और रहो इतना तकलीफ होता है मेरे वजह से है ना हैं मुंह का लटका लियो हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे मम्मी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ए मरसुगानी नच ले वो नतक नतानी ए मरसुगानी नच ले कैसे गाना गाता हूँ मम्मी साड़ी पहन के तुम कैसे डांस कर रही थी शादी में एक बार करके दिखाना करके दिखाने को करके दिखाना करके दिखा ना कर अभी नहीं जाना ऐसा करके करके दिखा ना एक बार आंगन में गांव में ऐसे गजब बस 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 छोड़ दे छोड़ दे देखो दांत देखो तुम्हारा दाद दिखा दाद 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 एक बार दिखा दाद दिखा मम्मी छोड़ दो छोड़ दो ये जान बुझ के कर रही है हाँ हो गया जानते है डांस आता है दाद दिखा एक बार पीला है मारना तो मार लो इसी डराओ नहीं खाली ये अच्छी मजाक ही सर तक करते रहो मजाक नहीं करेंगे चलो बैगन मम्मी बना ही दे रही थी काट तो दी थी लेकिन हमें मना कर दिया छोड़ मना कर दिए तो कल बना देना लेकिन ठीक पक्का सुबह में सुबह इतना ज्यादा मम्मी के साथ में मस्ती हुआ मम्मी थोड़ा डांटी भी बट डांटी नहीं वो प्यार था क्या कर सकते हैं और कल मम्मी बोली बना देंगे और मैं अभी खाना खाऊंगा नहीं क्योंकि चाउमीन खाया था तो खाने का मन नहीं कर रहा अंदर में पूरा थोड़ा सा लग रहा दूसरे जैसा अभी मैं फिलहाल सो जाऊंगा मैंने एडिट भी करके एडिट करेंगे उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगा बाकी मम्मी लोग पता नहीं बाकी मम्मी भैया भाभी पापा खाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता वो लोग अभी बाहर ठंडा ठंडा हवा ले रहे हैं अभी तो मैं अभी फटाफट एडिट कर लेता हूँ और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितना हो सकता उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय